नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में MPPSC 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर। अब बात करते हैं हम लोग 2015 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर 2015 का। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? तो याद रखना है आपको, संसद आदर्श ग्राम योजना, डी ऑप्शन सही है। 11 अक्टूबर 2014 को लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता कौन है? तो याद रखिए, एक पर्यावरणविद। गांधी शांति पुरस्कार 2013 का विजेता एक पर्यावरणविद है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है 21 जून। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, 21 जून होता है, याद रखना। अगला है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन टीका की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आपको याद रखना सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है, डी ऑप्शन सही है। छठवा क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपको याद रखना है लैक्टोमीटर, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक विधाता होता है? तो आपको याद रखना है ए, ओ समूह का, रक्त समूह ओ का व्यक्ति सार्वभौमिक विधाता है। आठवां क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का प्रयोजन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो याद रखना है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के, माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को के अध्ययन करने में किया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखना है बी ऑप्शन सही है, जबलपुर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। दसवां क्वेश्चन है हमारा, फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो याद रखिए समुद्र की गहराई, फेथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। ठीक है, दसवां क्वेश्चन, ग्यारहवां, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, याद रखिए, तो यह जिंको ताइवी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जिंको ताइवी थी। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? तो याद रखिए जीएल यादव। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड जीएल यादव को मिला था। 13वां क्वेश्चन,
बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनकी अन्य कविताएं हैं त्रिधाया, त्रिधारा, सीधे सीधे चित्त, मेरा नया बचपन, वीरों का कैसा हो वसंत आदि। ठीक है, धूपगढ़ की चोटी स्थित है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह सतपुड़ा रेंज में, धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह चोटी पचमढ़ी में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में करेंसी पेंटिंग प्लेस कहाँ है? तो याद रखना है देवास में। मध्य प्रदेश में करेंसी पेंटिंग प्लेस देवास में स्थित है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है डी ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, याद रखना। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो आपको याद रखना निवाड़। संत सिंगाजी भारत में मध्य प्रदेश के निमार के एक मशहूर संत थे। उन्हें पशु रक्षक देव के रूप में पूजा जाता है। 19वां क्वेश्चन, विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो एक चित्रकार थे। विष्णु चिंचालकर एक चित्रकार थे जिनका जन्म 5 सितंबर 1917 को देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खान। 73वां संविधान, 21वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? तो याद रखना है मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश में। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा आदि जिलों में पाई जाती है। 23वां क्वेश्चन है, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन किया गया था? तो भीमा नायक। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन किया गया था? भीमा नायक। सेधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन किया गया था। 24वां क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन करती थी? तो याद रखना है गोंडवाना। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा उत्तर प्रदेश में व मृत्यु 24 जून 1564 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो याद रखिए जन्म हुआ इनका बांदा में, मृत्यु हुई जबलपुर मध्य प्रदेश में। फिर 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? तो आपको याद रखना है 123 अध्यादेश द्वारा आया था। तो 123, राष्ट्रपति ये द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आया था। अध्यादेश याद रखिए, और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई जैसे 8 जनवरी को 1994 में, तो ये अधिनियम बन गया। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है,
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का क्या उद्देश्य था? मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन है इसमें। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन तथा राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना आदि था। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि से को लागू हुआ? तो याद रखना है 28 सितंबर 1993। ठीक है, ये अध्यादेश द्वारा 28 सितंबर 1993 को लागू हो गया, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति की अनुमति 8 जनवरी 1994 को मिली। ठीक है, याद रखना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया, यह गणतंत्र के 44वें वर्ष लागू हुआ था। 28वां क्वेश्चन है, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो आपको बता देना है भोपाल। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है, याद रखिए। नरेंद्र हिरेवानी ने किस के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? तो याद रखने, वेस्ट इंडीज। नरेंद्र हिरवानी ने वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखना है 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। ठीक है, 31 है। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 29 अगस्त। कई बार पूछा जा चुका है ये भी। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 32 क्वेश्चन, संध्या अग्रवाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो याद रखना क्रिकेट। संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है इंदौर में। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय इंदौर में है। ठीक है, विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? तो वह याद रखिए, इसमें नोवाक जोकोविच। थे, इन्होंने रोजर फेडर को हराया था। 35 क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं? तो आपको याद रखना रियो डी जेनेरो। 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो ब्राजील में प्रस्तावित थे। 36 क्वेश्चन, प्रथम पेस्ट जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है? तो याद रखना है होम पेस्ट या गृह पेस्ट। वेबसाइट का पहला पेज गृह पेस्ट कहलाता है, पेस्ट कहलाता है होम पेज। 1 उसे पोर्ट कहा जाता है। कंप्यूटर में बहुत से पोर्ट होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो याद रखिए अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है? तो याद रखना है पेंट वेस कंप्यूटर की भाषा नहीं है। याद रखना है नहीं है पूछा गया होगा, मिस पेंट हो गया है।
तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो पेंटविस कंप्यूटर की भाषा नहीं है, यह एक एप्लीकेशन है। जबकि बेसिक, C++, जावा, ये सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। 39, 40, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो वह याद रखना है, विजय भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर कहलाते हैं। इन्होंने परम सीरीज की सुपर कंप्यूटर का आर्किटेक्ट तैयार किया था, परम भाटकर। 41 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो याद रखिए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, तेज व महंगा कंप्यूटर होता है। इसकी कार्य क्षमता बहुत उच्च होती है। 42, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? तो आपको याद रखना, दो, ये ऑप्शन सही है। बाइनरी भाषा दो अंकों से मिलकर बनती है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा में कार्य करता है, इसे मशीन भाषा भी कहते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है? तो याद रखिए, केबी। उपयुक्त विकल्प में अनुसार मेमोरी का न्यूनतम साइज केबी है, जबकि मेमोरी का न्यूनतम साइज बिट होता है, तो केबी इसमें आंसर दिया जाए, केबी होगा। अगर बिट होता ऑप्शन, तो सबसे पहले बिट है छोटी सबसे। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आपको बताना है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? बिट्स होते हैं 8, बी ऑप्शन है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट दो निबल से मिलकर बनती है। एक बाइट बराबर 8 बिट, दो निबल। फिर बात करते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है? तो ये हैं जेसी बोस, सी बी ऑप्शन सही है। पेड़ पौधों में जीवन का आविष्कार जेसी बोस ने किया। जेसी बोस ने बताया कि पेड़ पौधों में मनुष्य की तरह ही जीवन जीते हैं पेड़। 46, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला। काला रंग प्राथमिक रंग नहीं है, जबकि बाकी के सभी रंग प्राथमिक रंग हैं। हरा, लाल, नीला प्राथमिक रंग है, काला प्राथमिक रंग नहीं है। 47 क्वेश्चन नंबर, सतत विकास का आधार है उपयुक्त में से कोई नहीं? अब बात करते हैं हम लोग 48 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए? अनुच्छेद 17। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। 59वां क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो आपको याद रखना है, अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है। ठीक, बात करते हैं 50वें क्वेश्चन की, 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है? तो याद रखिए, ऋणग्रस्तता, भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी धार्मिक कारण है, लेकिन ऋणग्रस्तता नहीं है। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का ऋणग्रस्तता नहीं है। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो आपको बताना है, मृत सागर में। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में 34.2% पाई जाती है। अब है क्वेश्चन 52, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र में नहीं है? तो आपको बताना है, गुजरात के तटीय क्षेत्र।
म्यांमार का तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है, लेकिन गुजरात का तटीय क्षेत्र नहीं है। गुजरात के तटीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? तो कृषि प्रदूषण, गरीबी, सांप्रदायिक दंगे, बलात्कार सामाजिक प्रदूषण है, लेकिन कृषि प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण में नहीं आता। कृषि प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण नहीं है, जबकि गरीबी, सांप्रदायिक दंगे, बलात्कार सामाजिक प्रदूषण है। 54वां क्वेश्चन, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? दीर्घकालीन परिवर्तन। दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो आपको बताना है उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी उल्लेखनीय विकल्प सूर्य ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं, जल भी है, सूर्य भी है, पृथ्वी भी है। 56वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मेहता थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मेहता थे उस समय। अगला, वित्त आयोग, वित्त आयोग योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? एम बी माथुर ने। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव एम बी माथुर ने दिया था। 58 क्वेश्चन नंबर, तारकुंडे समिति किस उद्देश्य से गठित की गई थी? चुनाव सुधार। तारकुंडे समिति चुनाव सुधार उद्देश्य से किया गया था इसका गठन। तारकुंडे समिति 1974-75 का गठन स्वतंत्र संस्था सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी की ओर जयप्रकाश नारायण ने चुनाव सुधार हेतु किया गया। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से माना जाता है। ठीक, 60 क्वेश्चन नंबर, नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक से। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई में है, भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है, तो यह वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ए ऑप्शन है इसमें। 61 में आप है। अगला क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सतत विकास वो विकास है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा भी करता है। 62 क्वेश्चन नंबर, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो आपको बताना है भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान भुगतान संतुलन से संबंधित है। 63 क्वेश्चन नंबर, भारत का संविधान संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। भारत में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। 64वां क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो 52वां 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके तहत। ठीक है, 1985 में ये हुआ था। दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यह संविधान 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 65वां संविधान संबंधित है,
65वां क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो याद रखना बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। 66वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम चुनाव किस वर्ष हुए? तो याद रखना है 1952 में, सी ऑप्शन सही है, वर्ष 1952 में भारतीय संविधान में के अंतर्गत प्रथम चुनाव हुए। प्रथम राज्यसभा का चुनाव गठन 3 अगस्त 1952 को किया गया, जबकि प्रथम लोकसभा का गठन 16 मई 1952 को किया गया। तो अब राज्यसभा का प्रथम गठन कब किया गया? 3 अगस्त 1952 को, जबकि लोकसभा का प्रथम गठन 6 मई 1952 को। अब बात करते हैं हम लोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको बता देना है महाल नोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना फीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 61 में हुई। ठीक है, फिर है हमारा 68वां क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। बात करते हैं 69वें क्वेश्चन की, मानव विकास सूचकांक का आधार है? तो आपको बता देना है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। क्या क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70वां, तलचिर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का। उड़ीसा का कोयला तालचिर नाम से प्रसिद्ध है। 71वां क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान है, सॉरी आंध्र प्रदेश है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। 72वां क्वेश्चन है, वेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे अयस्क। वेला डीला लोहे अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत लोह अयस्क का निर्यात जापान, स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका आदि को करता है। 73वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से लगती है? तो याद रखना है सिक्किम की। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो आपको बताना है केरल। सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, एक भी कई बार पूछा जा चुका है। अलकनंदा भागीरथी मिलती है? तो आपको याद रखना है देवप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। जहाँ अलकनंदा भागीरथी आपस में मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं, जहाँ से गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। 76वां क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसो हाइट। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसो हाइट कही जाती है। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी फोर्ट कहलाता है? सेंटोस। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। 40 प्रचंड 50 चीखता 60 क्या है? तो आपको याद रखना है ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पपने हैं। बी ऑप्शन सही था, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40 विचंड 50 चीकता 60 कहा जाता है।
ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 79वां क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, तो आपको बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशन कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से निकलती है। यह सक्रिय क्लोरीन की उपस्थिति के कारण होती है। अब बात करते हैं 80वें क्वेश्चन की, अल्फा अल्फा है तो याद रखना है एक प्रकार की घास। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। इक्यासीवा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में विख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। 82वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी जाति पिग्मी पाए जाते हैं? तो आपको बता देना है विषुवत रेखीय वन में पिग्मी कांगो बेसिन विषुवतीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, अब 83वां क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 22 अप्रैल। याद रखिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 84वां क्वेश्चन है, चार्ल्स बुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो याद रखना शिक्षा से। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित था। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था इसमें, परंतु साथ ही देसी भाषाओं का विकास को भी महत्व दिया गया था। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के लिए प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित हुई। इनके साथ ही जिलों में हाई स्कूल के एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज खोले गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं 85वें क्वेश्चन, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो आपको बताना है जहांगीर का, बी ऑप्शन है। खुसरो जहांगीर मुगल बादशाह का ज्येष्ठ पुत्र था। खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 86वां क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो आपको याद रखना है गुरु अंगद। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया। गुरु अंगद 1839 से 52 तक सिखों के दूसरे गुरु थे। 87वां क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाने जाते हैं और 12वां मुगल बादशाह था ये। इसका शासनकाल 1719 से 1749 तक था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। 88वां क्वेश्चन, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया। बात करते हैं 89वें क्वेश्चन की, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो आपको याद रखना है 1773, डी ऑप्शन है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के दो मुख्य बिंदु थे, जो इस प्रकार हैं, कंपनी के शासन पर संसदीय
नियंत्रण स्थापित किया जाए, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। ठीक है, बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। इंडिका का लेखक कौन था? तो आपको बता देना है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिया नामक किताब लिखी। यह वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत थे। ठीक, 91वां क्वेश्चन। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय रूप में मिलता है? तो आपको याद रखना है अशोक, बी ऑप्शन सही है। अभिलेखों में शासक अशोक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में मिलता है। अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम लोग 92वां क्वेश्चन। संस्कारों का कुल संख्या कितनी है? 16 है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जिसका क्रम इस प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, नियक्रमण, अग्नाफिसन, मुंडन, कर्णभेद, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। ठीक, 93वां क्वेश्चन है। शाहनामा का लेखक कौन था? तो आपको बता देना है फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। आपको बताना है 94वां, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? एडवर्ड संग्रहालय। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं हम लोग 95वें क्वेश्चन की। यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? तो आपको बता देना है डेंगू से। यू एंड मी डेंगू से संबंधित है। इस अभियान की शुरुआत 11 मार्च 2014 को डेंगू को ख़त्म करने के लिए की गई थी। 96वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? तो ये थे माधुरी दीक्षित, बी ऑप्शन सही है। नवजात शिशु एवं मातृत्व को सुरक्षित एवं सक्षम जीवन प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया। 97वां क्वेश्चन है, इग्नाइटिस माइंड्स नामक किताब किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम। इस पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था, याद रखिए। 98वां क्वेश्चन है, ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है? तो आपको याद रखना है जर्मनी। ऑडी जैसी लग्जरी कारों का निर्माण जर्मनी में होता है। इसे वॉक्सवैगन समूह बनाता है। 99वां क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो याद रखिए भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा चलाई गई। समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा भारत पाकिस्तान के बीच चलाई गई। तो याद रखिए समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा 2015 का पेपर, MPPCS का, PSC का, बारहवीं परीक्षा का फर्स्ट पेपर। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे MPPSC 2016 का।